नमस्कार दोस्तों, आज हम इस बुक का रिव्यू करने वाले हैं जो कि क्रॉनिकल की पब्लिकेशन है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो वो जो भी इस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं अपने यूपीएससी के लिए, ठीक है, तो उनके लिए ये बुक कैसी होने वाली है, इस बुक की क्वालिटी, पेज और इसका कंटेंट, तो आज हम देखेंगे ये कितना हेल्प करेगी आपको। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि ये बुक देख रहे हैं दिखती है, तो हम पहला पेज खोलते हैं, कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। तो इसमें मेंस के लिए क्वेश्चन आंसर दिए हैं 15 साल के, जो कि 2008 से 22 तक के हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हो गया आपके लिए, तो अच्छा खासा कंटेंट मिल जाएगा इसको। अब बात करते हैं इसकी सिलेबस, इन्होंने किस तरीके से कंटेंट कवर किया है। तो इन्होंने पेपर वन जो है, तो उसका भी टॉपिक वाइज ही सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। तो जैसे अगर हम बात करते हैं, पहला सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन, मीनिंग, स्कोप, सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन आए हैं इन सब टॉपिक से, तो उन्होंने टॉपिक वाइज सेपरेट करके ही आंसर उनके दिए हैं, जैसे कि जितने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है, और इधर आप आ जाइए तो इनमें कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ, और पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन जो भी हैं इनके टॉपिक वगैरह हैं, तो पेपर वाइज इन्होंने आंसर दिए हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट वाइज भी एक तरीके से इन्होंने जो टॉपिक हैं उनके सब टॉपिक उसके हिसाब से भी आंसर किए हुए हैं, ठीक है। पेपर टू के बारे में बात करें तो जो भी इनके टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनके अंदर सब टॉपिक्स हैं, हेडिंग्स हैं, तो उसके जितने भी क्वेश्चन हैं एक ही जगह पर दिए हुए हैं। चलिए अब देखते हैं किस तरीके से दिए हैं। तो हमने अगर पेपर वन के बारे में देखें, यहाँ से शुरुआत हुई थी इंट्रोडक्शन से, तो इन्होंने सॉल्यूशन किस तरीके से दिए हैं, जितने भी आप इन्होंने 15 साल के सॉल्यूशन हैं तो कुछ इस तरीके से दिए हैं, ठीक है। तो पेपर वन एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी इन्होंने इस तरीके से दिया है, और ये रहा इंट्रोडक्शन। अब जो इंट्रोडक्शन हमारा पहला टॉपिक था, तो उसके जितने भी क्वेश्चन 15 साल में पूछे गए हैं, जैसे 2022 में पूछा गया है यहाँ पर, है ना, तो वो सारे इन्होंने एक ही जगह पर दे दिए हैं। तो जितने भी इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन से हैं क्वेश्चन बनते हैं जो भी, तो एक ही जगह पर इन्होंने 15 साल के दे दिए हैं, ठीक है, ये इस तरीके से। और जो अब देखते हैं दूसरा टॉपिक भी इन्होंने ऐसे दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट। तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट के क्वेश्चन हैं, जितने भी ईयर के 15 साल के, वो भी एक जगह पर दे दिए हैं। तो इससे ये चीज़ अगर आपने नहीं पढ़ा है अच्छे से टॉपिक, तो आपने PYQ लगा करके अच्छे से सॉल्यूशन करके के वो टॉपिक आपका तैयार हो सकता है अच्छे से। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट दिया है, तो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आपको 5 साल के यहाँ पर मिल जाएंगे, 15 साल के, सॉरी। तो इसी तरह सॉल्यूशन देते चले गए हैं आगे भी। तो इनके अगर आंसर की क्वालिटी के बारे में बात की जाए, तो आंसर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप चाहें तो जो आपका पहला क्वेश्चन था, तो मैं इसका दिखा सकता हूँ, जूम कर दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने पढ़े हैं तो ठीक ठाक है, इसकी क्वालिटी भी ठीक है। तो जो भी पूछा गया है, तो इंट्रोडक्शन जिसे आपसे देना चाहिए और एंड करना चाहिए आंसर का, तो वो भी इनका काफ़ी अच्छा है तरीका। तो अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल लिया है आपने, तो अगर कोई PYQ के लिए बुक सोच रहे हैं, तो ये बुक भी ट्राई कर सकते हैं। तो ठीक है, ये बुक पढ़ने के लिए टॉपिक वाइज सॉल्यूशन है इसमें, और 15 साल के हो जाते हैं तो आपको वो भी बहुत फ़ायदा है कि एक ट्रेंड भी मालूम चलता है और क्लैरिटी भी हो जाएगी सब्जेक्ट की। तो अब बात करते हैं बुक आई की इतने की है, तो ये बुक का MRP तो इन्होंने 520 रुपये है, लेकिन ये लगभग मुझे 350 के आसपास मिल गई थी, 320 के आसपास, ठीक है। तो इसमें पीछे से ऐसे दिखती है, तो आप चाहें तो इसको अच्छे से अगर तैयारी करना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा।